हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? वेलकम इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस चैप्टर का वो हम स्टडी करने वाले. ओके, सो यहाँ से चैप्टर का मेन पॉइंट जो है स्टार्ट होता है. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी सम पॉइंट्स आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉलिड्स, देन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल यूनिट सेल एंड पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. दिस थ्री कॉन्सेप्ट आर वी ऑब्जर्व दैट इन प्रीवियस क्लास. ओके, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टल लैटिस क्या है. व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस एक सिस्टम होती है कि जिसमें जो रेगुलर उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉइंट का. पॉइंट मतलब क्या? एटम्स, आयंस एंड मोलिक्यूल्स. ओके, दीज आर द पॉइंट्स. इनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है स्पेस में इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस. एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, दिस इज अ रूबिक क्यूब. ओके, इसमें अगर हम इसे मान चलते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस है. ओके, ये क्रिस्टल लैटिस है. इसमें जो छोटे छोटे क्यूब्स है इसे हम कहते हैं यूनिट सेल. ओके, इस एंटायर रूबिक क्यूब में, एंटायर क्रिस्टल लैटिस में ये जो छोटे छोटे क्यूब्स है ये रिपीट हो गए हैं. ओके, अगर हम ऑल अराउंड अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे क्यूबिक सेल्स है इसे हम यूनिट सेल कहते हैं. इस यूनिट सेल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंटायर रूबिक क्यूब. ओके, सो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल लैटिस. ओके, इस पूरे रूबिक क्यूब को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. और इसमें जो छोटा छोटे जो क्यूब्स है इसे हम कहते हैं सिंगल यूनिट सेल. ओके नाउ, ओके सो व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस शोज दैट देर इज अ पॉइंट्स आर देर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल लैटिस. ओके, देन हमने ऑब्जर्व किया कि देन हमने पढ़ाई की कि इसके बारे में कुछ के बारे में जिसमें क्रिस्टल यूनिट सेल और यूनिट सेल हमने स्टडी किया है. व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इट इज अ सिंगल यूनिट व्हिच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एंटायर क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस में एक सिंगल सेल होता है, सिंगल यूनिट होता है कि जो एंटायर क्रिस्टल में रिपीट होता है इसे कहते हैं एक सिंगल यूनिट और यूनिट सेल. ओके, देन हमने कुछ पैरामीटर्स ऑब्जर्व किए इस यूनिट सेल के. व्हाट आर द पैरामीटर? पैरामीटर्स आर ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा. ए बी सी, व्हाट इज ए बी सी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. दो पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है इस तरह के हमने डायग्राम जो है क्यूबिक सेल जो है ऑब्जर्व किया था. इट इज अ सिंगल यूनिट सेल. इस सिंगल यूनिट सेल में जो पॉइंट है दो पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट. सो डिस्टेंस, व्हाट एवर डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एंड वी असाइन दैट ए बी सी. दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. ओके, देन वी नोटेड दैट देर इज एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा. अल्फा, बीटा, गैमा आर द एंगल्स. ओके, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए. ओके, सिंपल पॉइंट है, कुछ भी डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है इसमें. अगर आपको ये पता होगा, अगर आपको ये पढ़ाई की होगी तो नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं. टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम के कुछ टाइप. क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्या? कि हमने जो क्रिस्टल लैटिस देखा है उसमें कुछ टाइप किए गए हैं. उसमें कुछ टाइप जो है हमें स्टडी करने वाले. सो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो डिवाइड हो गए फोर टाइप्स पे बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से लैटिस में है और किस तरह से यूनिट सेल में है उसके बेसिस में क्रिस्टल के टाइप्स हो गए. टाइप्स है, वन इज अ सिंपल यूनिट सेल. फर्स्ट इज अ सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्रिस्टल यूनिट सेल. ऐसे प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव. ओके, सेकंड जो टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड जो टाइप है
बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स, ओके। फोर्थ जो टाइप है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो चार टाइप है, ये चार क्लासिफिकेशन जो क्रिस्टल सिस्टम का किया हुआ है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड द क्रिस्टल यूनिट सेल्स, ओके। सो फर्स्ट इज अ सिंपल यूनिट सेल, इसे आल्सो कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फोर्थ इज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। ये जो बेस्ड ऑन द पॉइंट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट और वी कैन गेस दैट व्हाट इज अ फेस सेंटर्ड। फेस मतलब क्या, फेस के सेंटर में पॉइंट हो गए। बॉडी मतलब क्या, बॉडी के सेंटर में वो जो पॉइंट हो गए। पॉइंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, उस पॉइंट की जगह पार्टिकल जो है अरेंज किए गए हैं। एंड सेंटर्ड मतलब क्या, एंड में पॉइंट होंगे, ओके। ये हमें देखना है। सो फर्स्ट इज अ सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के बारे में अभी ऑब्जर्व करेंगे। सो व्हाट इज अ सिंपल यूनिट सेल, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल देखिए कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो इस तरह की डायग्राम जो है हम थोड़ी बहुत यहाँ ज्योमेट्री इस्तेमाल करने वाले, तो मेरे साथ ही आप फटाफट नोटबुक में डायग्राम जो है ड्रॉ कर ले। दिस इज अ यूनिट सेल, दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल, हम इसे क्यूबिक कह सकते, क्यूब जैसा दिखता है इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल। सो इसमें क्या है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर पॉइंट जो है प्रेजेंट है, यहाँ पॉइंट दिखाया हुआ है, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, ओके। द सिंपल यूनिट सेल शोज दैट एट एट कॉर्नर, अगर हम इस क्यूब को ऑब्जर्व करते हैं तो इसे एट कॉर्नर है, ऊपर चार है नीचे चार है। सो एट कॉर्नर पे एट पॉइंट है, एट पॉइंट मतलब क्या, एट पॉइंट की जगह, पॉइंट मतलब पार्टिकल्स, ओके। पार्टिकल मतलब एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। मान लें कि अगर हम आयरन का एक क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल सिस्टम लेते हैं, अगर हम NaCl का क्रिस्टल यूनिट लेते हैं, तो उस इस पॉइंट पर क्या होगा, NaCl के एटम होंगे, NaCl के आयन्स होंगे, ओके ओके। सो दैट आर द पार्टिकल्स और पॉइंट्स, ओके। सो दिस इज अ सिंपल यूनिट सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिमेटिव यूनिट सेल। यहाँ सिंपल यूनिट सेल में एट कॉर्नर पे सिर्फ एट पॉइंट होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन इज दैट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट वन इज दैट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो स्टूडेंट व्हाट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आप बता सकते हो क्या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? फेस के सेंटर्ड में अगर जब पार्टिकल होगा उसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिक्स फेस है, ओके। यहाँ सिक्स फेसेस प्रेजेंट है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर का एक नीचे का दो है, देन साइड में चार फेस है, ओके। सो सिक्स फेस प्रेजेंट है इसमें, ये एक फेस, ये फ्रंट वाला एक फेस, साइड वाला एक फेस, ये तीन हो गए, ये इसका ऊपर का एक फेस, देन बॉटम का एक फेस एंड बैकवर्ड का एक फेस, इस तरह से सिक्स फेसेस प्रेजेंट है, ओके। सो कभी भी याद रखना जरूरी है कि क्यूबिक यूनिट सेल को एट कॉर्नर होते हैं, ओके। कॉर्नर मतलब क्या, जहां पॉइंट की अरेंजमेंट हो गई है उसे कॉर्नर कहते हैं, एंड जो फेस है, फेस मतलब क्या, प्लेन सरफेस, इस क्यूब को सिक्स फेस प्रेजेंट है, ओके। सो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस फेस सेंटर में एट कॉर्नर पे एट एटम होंगे, प्रेजेंट होंगे, ओके। दे ऑल्सो शो दैट देयर इज एट कॉर्नर एंड एट कॉर्नर ऑक्यूपाइड एट पार्टिकल्स, ओके। देन इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके फेस सेंटर्ड पर भी क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, फेस सेंटर पे क्या होगा, पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। सो लेफ्ट साइड में जो फेस है वहां एक पार्टिकल जो हमने ड्रॉ किया, मेरे साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो फ्रंट का फेस है उधर एक पार्टिकल है, देन राइट साइड का जो फेस है वहां एक पार्टिकल है, ओके।
देन अपर साइड का जो फेस है वहां एक पार्टिकल है, बॉटम का जो फेस है वहां एक पार्टिकल है, एंड जो फ्रंट साइड का फेस है बैकवर्ड का जो फेस है वहां एक पार्टिकल है. ओके सो फेस सेंटर्ड यूनिट शोज दैट दिस इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके ये आपको याद रखना ही चाहिए. फेस सेंटर्ड मतलब क्या, सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या, ये आपको पता होना चाहिए. सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते, फेस सेंटर्ड पे 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल जरूर होंगे, फिर भी वहां जो फेस है उस फेस पर भी पार्टिकल होंगे. ओके देन नेक्स्ट वन इज दैट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, पहले आपको क्यूबिक यूनिट सेल जो है ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आपको कॉर्नर पे 8 पार्टिकल जो है दिखाना होगा. ये चला, ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. देन यहाँ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये जो पूरा बॉडी है उस बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा. ओके बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा. ओके सो इट कॉल्ड एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होंगे ही, फिर भी इसके बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा, इसके लिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके देन नेक्स्ट वन इज दैट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड इट आल्सो कॉल्ड एज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें क्या होगा, वही डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए क्यूबिक यूनिट सेल की, इसके 8 कॉर्नर पे 1 एटम जो है वो दिखा दीजिए. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंड सेंटर्ड, इस क्यूबिक सेल का जो एंड है और बेस है इसके सेंटर पे पार्टिकल होंगे. उसके एंड कौन कौन से है, एक तो ऊपर का होगा, ऊपर का बेस और नीचे का बेस, यहाँ इसके पार्टिकल होंगे. ओके साइड में दिखाने का नहीं है, सिर्फ कौन सा ये फेस. ओके हम क्यूबिक सेल किसी भी तरह रखते हैं तो दो ही ऊपर का एक नीचे का बेस आ जाएगा और दो ही एंड आ जाएंगे, एक ऊपर का एंड और नीचे का एंड. ओके सो इस एंड में दो पार्टिकल जो है प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड एज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके सो इस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होंगे ही, फिर भी इसके बेस पे और एंड पे दो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. ओके सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको मालूम होगा, अगर आपको ये ड्रॉ करने आएगा तो आपको जो आगे होने वाला जो पार्ट है वो आसानी से समझ में आएगा. सो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्लियरली पढ़ाई की स्टडी के लिए डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए. व्हाट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द एंड यूनिट सेल, और व्हाट इज द बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और व्हाट इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर कोई भी पूछता है कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो इसमें एंड में जो है और बेस में जो है पार्टिकल होने चाहिए. इट्स ऑल 4 टाइप्स में 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हो गए. सिर्फ इसके जो नाम है एंड सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसके नाम के मुताबिक वो डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्टिकल की पोजीशन है दिखाई होगी. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स. ओके जो क्रिस्टल सिस्टम है, बेसिक सिंपल क्रिस्टल सिस्टम है, यूनिट सेल जो है उसका 7 टाइप में क्लासिफाई किया है. मतलब क्या, जहां एटम की अरेंजमेंट होती है, ओके ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एबीसी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन द अल्फा बीटा गामा, उसके बेसिस पे 7 टाइप में जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्लासिफाई किया है. ओके सो वी नो दैट देयर इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. यहां जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या दिखाया है, इसके 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स जो है हमने दिखाए है. 8 कॉर्नर शोज दैट 8 एटम्स और 8 पार्टिकल्स. ओके एंड देयर इज अ एज लेंथ, व्हाट इज द एज लेंथ, ए बी सी, एंड देयर इज एंगल अल्फा बीटा गामा. ओके वी नो दैट वेयर इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, देयर इज अ गामा एंगल. बिटवीन द बी एंड सी देयर इज अ अल्फा एंगल, एंड बिटवीन द ए एंड सी देयर इज अ बीटा एंगल. ओके हम मालूम होना चाहिए कि अल्फा एंगल कहाँ है, बीटा एंगल कहाँ है, गामा एंगल कहाँ है. अल्फा जो एंगल होता है वो बी एंड सी में होता है, बीटा एंगल जो होता है ए एंड सी में होता है, एंड गामा एंगल जो होता है ए एंड बी में होता है. ओके
सो बेस्ड ऑन द एंगल एंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, इसका क्लासिफिकेशन जो है सेवन टाइप्स में क्या है. ओके, सो विच आर द सेवन टाइप? क्यूबिक सेल, टेट्रागोनल सेल, देन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, फिफ्थ वन इज हेक्सागोनल एंड सिक्स वन इज रोम्बोहेड्रल, सेवन वन इज ट्राइक्लिनिक. ओके, सो दीज आर द सेवन टाइप्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है होगा. ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे याद रखने का ये आपको बताऊंगा. ओके, सो हाउ टू रिमेम्बर दिस सीक्वेंस, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. आपको क्यूबिक मालूम होना चाहिए, टेट्रागोनल मालूम होना चाहिए. सो इसका जो इनिशियल लेते हैं हम, सी क्यूबिक का सी लेते हैं, टेट्रागोनल का टी लेते हैं, ऑर्थोरोम्बिक का ओ लेते हैं, मोनोक्लिनिक का एम लेते लेते हैं, हेक्सागोनल एच, रोम्बोहेड्रल आर, ट्राइक्लिनिक टी. सो फर्स्ट लेटर जो है सी टी ओ, ये आपको याद रखना चाहिए, सी टी ओ. एंड देन MHRD, MHRD मतलब महाराष्ट्र. ओके, जो मेन वर्ड है महाराष्ट्र, एम मतलब मा, एच मतलब हा, आर मतलब राष्ट्र, रा एंड टी मतलब ट्र. ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए, सी टी ओ महाराष्ट्र, MHRD, सी टी ओ MHRD, सो सी टू डी. ओके, इस तरह से आप याद रखते हैं सीक्वेंस. अगर आपको ये सीक्वेंस मालूम होता है तो इस सीक्वेंस के बेसिस पे आप जो डिस्टेंस एंड एंगल दिखाया है हर यूनिट सेल का, ये आपको आना चाहिए. ओके, सो इन केस ऑफ अगर हम क्यूबिक के बारे में ऑब्जर्व करते हैं तो डिस्टेंस थ्री डिस्टेंस है ए बी सी. ओके, एंड एंगल जो है अल्फा बीटा गामा, ये तीन एंगल है एंड तीन ही डिस्टेंस है. ओके, सो क्यूबिक सेल जो है इसका इसका जो एज लेंथ है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. ओके, टेट्रागोनल जो है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है. ओके, एंड ऑर्थोरोम्बिक जो है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. जो फर्स्ट थ्री है इसके बारे में हम पहले स्टडी करते हैं. ओके, सो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. क्यूबिक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है. टेट्रागोनल का कैसा लिखने का है? टेट्रागोनल हम लिखते समय ए इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, इसका सी जो है अनइक्वल है. ऑर्थोरोम्बिक में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ऑल आर अनइक्वल. ओके, सो फर्स्ट में ऑल आर इक्वल, देन सी इज नॉट इक्वल एंड थर्ड वन इज ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी. इसके अगर हम एंगल देखते हैं तो एंगल सभी का 90 डिग्री है. अल्फा बीटा गामा 90, इसका भी अल्फा बीटा गामा 90, इसका भी अल्फा बीटा गामा 90 है. ओके, देन मोनोक्लिनिक. अगर हम मोनोक्लिनिक का नेक्स्ट वन आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक. ये जो टू है मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल, यहाँ अगर हम देखते हैं मोनोक्लिनिक का जो एज लेंथ है जो ऊपर है ऑर्थोरोम्बिक का, वही हमें नीचे लिखना है. ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल सी, यहाँ भी मोनोक्लिनिक का वही लिख दिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सिंपल तरीके से याद रखेगा. अगर आपके पास कोई ट्रिक होगी तो आप वो भी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं. ये मेरी ट्रिक है. पहले ये जो सीक्वेंस है क्यूबिक का सी टी ओ MHRD, ये याद रखने का, उसके बारे में उसके बाद में डिस्टेंस एंड एंगल जो है हमें लिखना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट थ्री हो गया, कैसे याद रखना है आपको बता दिया है मैंने. पहले ए बी सी लिखने का है, देन इसका एंगल जो है ऑल आर 90 डिग्री है, एंगल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो दीज आर द एज. देन हमें मोनोक्लिनिक के बारे में जो एज लेंथ है वो हमें लिखना है. जो ऊपर एज लेंथ है ऑर्थोरोम्बिक के वही नीचे लिखने का है, बट एंगल लिखते समय देखो इसका जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू गामा ए 90 है, बट जो मिडल एंगल जो बीटा ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है. ओके, देन हेक्सागोनल देखो. अगर हम हेक्सागोनल की डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे याद रखना है. हेक्सागोनल मतलब सिक्स पॉइंट होते हैं इसमें. सो ऊपर 6 पॉइंट होते हैं, नीचे 6 पॉइंट होते हैं. सो हेक्सागोनल की तरह डायग्राम जो है आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा. सो इसमें जो ए इज इक्वल टू बी है बट सी जो एंगल है वो एक अनइक्वल है. यहाँ जो यहाँ देखो अल्फा बीटा 90 है, गामा 90 नहीं है. ओके, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ऊपर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 है, और जहाँ अल्फा बीटा 90 है गामा जो है 90 नहीं है. ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं. फिर रोम्बोहेड्रल ये आपको रटा है, आपको याद रखना ही चाहिए किसी भी तरह. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका देखो ए बी सी ये इक्वल है, अल्फा बीटा गामा जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ओके,
रोम्बोहेड्रल एबीसी इक्वल अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है। एक ट्राइंगल निकलने समय सिंपल है, इसका ऑल आर अनइक्वल है, ओके, एबीसी अनइक्वल है, अल्फा बीटा गामा देखिए क्या है, अनइक्वल है और 90 डिग्री नहीं है, ओके। सो इस सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट थ्री लिखना चाहिए आपको, ए बी फर्स्ट थ्री का डिस्टेंस लिखना है, एंगल जो है 90 डिग्री है, ये आपको आसानी से याद रख आएगा। देन मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल लिखने का है, देन रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक तो आपको पता है एबीसी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से याद आएगा, ओके। सो दिस इज सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बेस्ड ऑन द एज लेंथ एंड एंगल, ओके। अभी हमको वन बाय वन इसकी डायग्राम जो है स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर आया है उसमें सेवन टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम जो है ड्रॉ किए हुए, मैं भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ साइड में, वन बाय वन हम ऑब्जर्व करेंगे। सो फर्स्ट जो है क्यूबिक यूनिट सेल है, ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये ड्रॉ कैसे करना है, किसके बेसिस पे करना है, ये जो एज लेंथ है एबीसी अल्फा बीटा गामा उसके बेसिस पे हमें करना है। यहाँ देखो ए का लेंथ और बी का लेंथ और सी का लेंथ ये जो है सेम है, तो ये जो लेंथ है ए ए बी ए सी इसका डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस है, यहाँ एज लेंथ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन एबीसी है इक्वल है, तो हम इस ए कहते हैं, यहाँ बी कहते हैं, यहाँ सी कहते हैं, ओके, एबीसी आर इक्वल, ओके। देन यहाँ अल्फा बीटा गामा एंगल जो 90 है ये सब एज लेंथ है 90 में, ओके, तो एज एंगल है ये 90 है, ओके, दिस इज अ गामा एंगल है, दिस इज अ अल्फा, दिस इज अ बीटा, ओके, एंगल 90 है, तो दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। सो बेस्ड ऑन द एज लेंथ दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। देन नेक्स्ट वन इज दैट टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, जो सी है वो अनइक्वल है, ओके, जो सी है वो अनइक्वल है, सी मतलब क्या, ये ऊपर का जो एज लेंथ है वो दिखाया है, यहाँ एंगल सी 90, सब 90 डिग्री, ओके, ये सी है, ए एंड दिस इज बी, यहाँ ए एंड बी, ए एंड बी ए इक्वल है, मतलब सी ओनली डिफरेंट है, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा वी कैन ड्रॉ दैट ऑल ऑफ द सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ए बी इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यहाँ जो अल्फा बीटा गामा ऑल एंगल आर द सेम, ओके। देन ऑर्थोरोम्बिक बहुत ही आसान है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो एज लेंथ दिखाया है उसके बेसिस पे अल्फा बीटा गामा एंगल दिखाया है उसके बेसिस पे आपको ड्रा करना है। ऑर्थोरोम्बिक पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑल आर द अनइक्वल, इसका ए बी सी अनइक्वल है, हम सी लिखते हैं, ओके, ऑल ऑफ दी लेंथ आर अनइक्वल है, ए बी सी, यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 है, जो एंगल है इसके बीच में वो 90 डिग्री है, ओके, बट ए लेंथ ऑल ऑफ दी डिफरेंट, ओके। देन मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक पे क्या है, देखो मोनोक्लिनिक पे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट टू से, यहाँ जो एंगल है अल्फा गामा 90 डिग्री है, बट बीटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ड्रॉ करना है, देख लो ये जो ऊपर का है वो अभी आपको आसानी से दिखाई देगा, मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल जो ऊपर का था क्यूबिक देन टेट्रागोनल दे ऑर्थोरोम्बिक सिंपल है, वहां एंगल दे ऑल आर दी इक्वल 90 है, बट ओनली एबीसी के जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक किस तरह से ड्रॉ करना है, देखो यहाँ एबीसी अनइक्वल है, सो यहाँ मैं जो एबीसी दिखा रहा हूँ वो ये अनइक्वल है,
थोड़ी बहुत यूनिट सेल। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ओके एबीसी कहाँ दिखाना है देखो, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट के कंसिडर करके हम यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी लिख रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ए भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर का भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। और जब तीन ए लेंथ है उसको आप ए बी सी दिखाना है, जो वर्टिकल होता है उसे हमें सी नोटेशन करना है, जो साइड का जो होता है उसे ए एंड बी कहते हैं। अब आप इसे एक्सिस कर सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके सो इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक यहाँ जो ए बी सी है वो अनिकोल है, ए की लेंथ अनिकोल है, बी अनिकोल है, सी अनिकोल है। बट यहाँ देखो अल्फा गामा जो 90 डिग्री है, अल्फा गामा इज 90 बट बेटा इज नॉट इक्वल टू 90। बेटा एंगल कहाँ है, बेटा एंगल जो है वो सी एंड ए में है, ए जो एंगल है ए 90 नहीं है। ओके ए जो एंगल है वो 90 नहीं है। ओके यहाँ आपको 90 डिग्री दिखाई देगा, अगर हम सिंपल फिर ड्रॉ करता हूँ देखो ये 90 नहीं है, तो इस तरह से आ सकता है, ऑल एंगल आर 90 बट ओनली बी जो है, बी मतलब है ये 90 नहीं है। ओके तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आ जाएगी। तो बी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, आपको जो पिक्चर दिखाया है स्क्रीन पे वहाँ अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ है, जो बी एंगल है वो टोटली 90 डिग्री नहीं है बट अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री है। ओके सो दिस इज अ मोनोक्लिनिक, यहाँ ए बी सी की लेंथ अनइक्वल ही है और यहाँ बीटा 90 नहीं है। ओके देन नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब क्या, हेक्सागोनल जहाँ सिक्स सेंटर होते हैं, हेक्सागोन एक कहाँ कैसे ड्रॉ करना है देखो, फर्स्ट ऊपर का जो फेस है वो ड्रॉ करना है, देन नीचे का ओके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे हर पॉइंट में से। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो नीचे भी एक हेक्सागोन तैयार हो जाएगा, सिक्स पॉइंट फेस। ओके यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है और वो हर कॉर्नर पे जाता है। दिस इज अ हेक्सागोन। ओके अगर हम किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो सपोज वी कंसिडर दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, सो दिस इज लेंथ ए, दिस इज बी, जो वर्टिकल लेंथ होती है वो सी होती है। ओके दिस इज सी, जो वर्टिकल है वो सी है, साइड में जो कोई भी दो होगा वो ए एंड बी होगा। ओके यहाँ देखो जो सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी दिखाई है, सी के लिए टोटल डिफरेंट ए एंड बी इक्वल है। यहाँ एंगल देखो अल्फा बीटा 90 है, अल्फा बीटा कौन सा अल्फा बीटा, अल्फा मतलब सी एंड बी में ये जो एंगल है 90 है एंड बीटा ए एंड 90 है, बट जो ए एंगल है ए 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल जो है 120 होता है। ओके सी मतलब ए एंड बी बी का जो एंगल है ए एंगल, अगर सपोज हम इस पॉइंट को कंसिडर करते तो ये पूरा एंगल जो है ए 120 है, 90 नहीं। देन रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या है, रोम्बोहेड्रल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, रोम्बोहेड्रल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए लेंथ सेम है बट एंगल जो है 90 नहीं, किसी भी एंगल जो है 90 नहीं। तो आपको ए लेंथ एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने के लिए पूछते नहीं, मतलब फिर भी आपको ये मालूम होगा वहां से। ये सब इमेजिनरी कंसेप्ट है, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो यहाँ ए बी सी इक्वल है, इसका एंगल है और 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके तो दिस इज द मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल। ओके देन ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में कैसा है देखो, ट्राइक्लिनिक में ऑल आर अनइक्वल, ए बी सी भी अनइक्वल है एंड अल्फा बीटा गामा भी क्या है अनइक्वल है। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल जो है अनइक्वल है, ऑल आर एंगल आर भी अनइक्वल, सो
हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री नहीं है, एंगल आर अनइक्वल एंड ए बी सी ऑल्सो अनइक्वल, सो दिस इज अ ट्राई थिंग. ओके, सो दीज आर दी सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. Now the next point is that 14 types of Bréviot's lattices. Okay, Bréviot, he was a scientist, French mathematician. Okay, he discovered the 14 type of Bréviot's lattices. आपको स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा जिसमें 14 types of जो Bréviot's lattices है वो ड्रॉ किया है. Okay, so जो हमने अभी तक देखा कि जिसमें सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स है, ये जो सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स है इसका डिवाइडेशन 14 टाइप्स में हो गया है. ओके, ये जो सेवन टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम है इसका डिवाइडेशन 14 टाइप्स में हुआ है. आपको स्क्रीन पे जो इमेज डायग्राम दिखाई हुई है उस डायग्राम में 14 टाइप्स के जो Bréviot's lattices है वो ड्रॉ किए हुए है. सो फर्स्ट इज अ क्यूबिक यूनिट सेल. सो क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ जो एज लेंथ है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड जो एंगल है अल्फा बीटा गामा ये क्या है 90 डिग्री है. ओके, सो इसका थ्री टाइप्स मैंने क्लासीफाई किया है. क्यूबिक यूनिट सेल इज क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स, वन इज अ प्रिमिटिव, वन इज अ बॉडी सेंटर्ड एंड वन इज अ फेस सेंटर्ड. ओके, हमने जो फोर टाइप्स देखे क्रिस्टल लैटिस के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ये जो चार टाइप्स है ये चार टाइप जो है वो अलग अलग सेवन टाइप्स में रिपीट हो गए हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द क्यूबिक यूनिट सेल. सो क्यूबिक यूनिट सेल ये डिवाइडेड हो गए है थ्री टाइप्स में, वन इज द प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. ओके, हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी क्यूबिक की टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, ओके इसी तरह से हम डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ. तो क्यूबिक की डायग्राम कैसी है कि क्यूबिक में एट कॉर्नर पे एट एटम्स है. ओके, सो ये क्यूबिक डिवाइड हो गया प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट से. सिंपल क्यूबिक में क्या दिखाया है कि जहां एट कॉर्नर पे एट एटम्स है. ओके, देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड में क्या है, इसके बॉडी के सेंटर्ड में एक एटम है एंड एट कॉर्नर पे एट एटम्स है और एट पॉइंट्स है. ओके, देन फेस सेंटर्ड में देखो, फेस सेंटर्ड में क्या है, एट कॉर्नर पे एट एटम है ही, बट फिर भी यहाँ जो फेस है सिक्स फेस है, हमने देखा है इस सिक्स फेस में सिक्स पार्टिकल है. ओके, सो एक क्यूबिक के थ्री टाइप्स है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. आपको क्यूबिक पता है, क्यूबिक की डायग्राम कैसी है, एक क्यूब सिंपल दिखाया है एंड इसके थ्री टाइप्स है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. उसी की तरह जो टेट्रागोनल दिखाया है, टेट्रागोनल पे क्या है, जो ए बी सी ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है, अल्फाबेट क्या 90 है. ओके, इसके दो टाइप्स है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड. ओके, प्रिमिटिव में एट कॉर्नर पे एट होगा, बॉडी सेंटर्ड पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर में एक होगा. ओके, देन ऑर्थोरम्बिक दिखाया है, ऑर्थोरम्बिक में क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फाबेट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो यहाँ चार टाइप्स है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. ओके, सो प्रिमिटिव मतलब क्या, प्रिमिटिव में एट कॉर्नर पे सिर्फ एट एटम्स है और एट पॉइंट्स है. बॉडी सेंटर्ड में क्या, इसके एट कॉर्नर पे एट पार्टिकल्स है एंड देन इसके जो बॉडी सेंटर्ड में सेंटर में एक पार्टिकल है. ओके, फेस सेंटर्ड में क्या, इसके एट कॉर्नर पे एट एटम है, डायग्राम में जो ब्लू कलर में दिखा है वो पार्टिकल्स है एंड जो एट सिक्स फेस है, सिक्स फेस पे सिक्स पार्टिकल है. बहुत ही सिंपल है. एंड सेंटर्ड में क्या है, एंड सेंटर्ड में दो एंड पे दो पार्टिकल है एंड एट कॉर्नर पे एट पार्टिकल है. देन मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक डिवाइड इनटू टू टाइप्स. ओके, एज इसका एज लेंथ ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसका एंगल जो है अल्फा गामा 90 डिग्री है बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. उस तरह से हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ की है पिक्चर में. सो यहाँ प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड ये दो टाइप्स है यहाँ, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड. ओके, प्रिमिटिव में देखो क्या है, प्रिमिटिव में एट कॉर्नर पे एट एटम्स है, एंड सेंटर्ड पे क्या है, एट कॉर्नर पे एट एटम्स है एंड एंड के. ओके, एट कॉर्नर पे एट एटम्स है एंड एंड पे दो एटम्स है. ओके, देन हेक्सागोनल, हमें हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, इस पे सिर्फ एक ही टाइप्स है. हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव है. ओके, देन रोम्बोहेड्रल में सिर्फ
प्रिमिटिव है एंड देन ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव है। ओके इसका जो एज लेंथ है हेक्सागोनल का ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 है, गामा इज 120। ओके देन रोम्बोहेड्रल डायग्राम में हेक्सागोनल में देखो डायग्राम में जो दिखाया है वहाँ सिक्स टोटल फोर सिक्स कॉर्नर है, ऊपर सिक्स है नीचे सिक्स है एंड देन मिडल दोनों एंड में दो एटम्स है, दो पार्टिकल्स है हेक्सागोनल में। ओके सो हर एक पॉइंट में हर एक पार्टिकल होगा। देन रोम्बोहेड्रल में देखो इसका ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। ओके यहाँ डायग्राम प्रिमिटिव सिर्फ प्रिमिटिव में क्लासिफिकेशन क्या है, ट्राइक्लिनिक का भी सिर्फ प्रिमिटिव है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसके एट कॉर्नर पे एट आइटम्स है। ये हो गया 14 ग्रेवाइस लैटिसेस। ओके ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ आइटम्स। ओके क्यूबिक क्रिस्टल के टाइप्स कौन से हैं उसके नंबर ऑफ आइटम्स। हमने 14 टाइप्स ऑफ ग्रेवाइस लैटिस में देखा है कि क्यूबिक क्रिस्टल जो है फर्स्ट वाला उसका थ्री टाइप्स है, वन इज सिंपल मतलब प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ये थ्री टाइप्स है। फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल। ओके सिंपल क्यूबिक कैसा इस तरह का है जिसमें एट कॉर्नर पे एट पार्टिकल्स है। ओके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ द पॉइंट इज दैट हमें क्या पता होना चाहिए और हम क्या स्टडी करें, टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स थ्री टाइप्स हो गए, देन नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल क्यूबिक में कितने आइटम है, फेस सेंटर्ड में कितने आइटम है, बॉडी सेंटर्ड में कितने आइटम है, ये हमें मालूम करना है। ओके तो देखो हमने जो हर कॉर्नर पे पार्टिकल दिखाया है, पार्टिकल मतलब क्या, आइटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ सिर्फ मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है। ओके दिस इज अ पॉइंट, लैटिस पॉइंट। ओके यहाँ अगर हम आइटम दिखाते हैं, आइटम मतलब क्या, ये पूरा एक आइटम होता है, इसका जो सेंटर है न्यूक्लियस, सिर्फ हम यहाँ न्यूक्लियस एज अ न्यूक्लियस एज अ पॉइंट वी आर ड्रॉ दैट दिस इज अ न्यूक्लियस। ओके अगर हम पूरा आइटम दिखाते हैं तो उस एटम जो है कुछ तो स्पेस क्रिएट करेगा इस एंटायर क्रिस्टल यूनिट सेल में। ओके अभी देखो मैं यही डायग्राम एटम के बेसिस पे ड्रॉ करता हूँ, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके अगर मैं एटम ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से कुछ आएगा, पहले हमने से पॉइंट ड्रॉ किए थे, नाउ वी आर ड्रॉ द एटम्स। यहाँ पूरा एटम नहीं होता, एटम के कुछ पार्ट होते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ऐसे दिखने में थोड़ा अलग दिखाई देगा लेकिन जो साइड में पिक्चर आया है उसमें अच्छी तरह से दिखाया है कि किस तरह से एटम की जो अरेंजमेंट है वो दिखाई है। ठीक है मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट दिखाया है, एट पॉइंट है एट कॉर्नर पे। ओके ये जो डायग्राम है यहाँ एटम की फिलिंग हुई है, टोटल एटम, अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हैं हमें पता करना है। ओके बच्चों एक याद रखो, हर कॉर्नर जो है इस यूनिट सेल का वहां पूरा आइटम नहीं होता, हर कॉर्नर जो है यहाँ पूरा आइटम नहीं होता, उस आइटम का एक आइटम का 1/8 पार्ट होता है। अगर हम ये पार्ट कंसिडर करते हैं तो यहाँ एक आइटम का अगर हम आइटम ड्रॉ करते हैं इस तरह से एक आइटम है। ओके इसमें डिवाइड करता हूँ चार भागों में, ऊपर का जो पोर्शन है इसमें डिवाइड करता हूँ। ओके सो एक पार्ट में डिवाइड किया, नीचे चार पार्टिकल है, नीचे चार पार्ट है, ऊपर चार पार्ट है। ओके सो ये जो एक पार्ट है मैं जो ब्लैंक किया हूँ ये हो गया एक पार्ट। ओके दिस साइड का एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, एक पार्ट है।
वैसे ये जो आइटम दिखाया है इस कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, एक आइटम का 8वां भाग, वैसे यहाँ भी 1/8 पार्ट है, 1/8, यहाँ भी 1/8, 1/8 मतलब क्या, एक आइटम का 8th पार्ट। ओके, इस हर कॉर्नर पे 1 आइटम का 8वां भाग होता है। ओके, सो अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 8 कॉर्नर है। ओके, हाउ मेनी कॉर्नर्स, देयर आर 8 कॉर्नर। ओके, एंड कितने, एक एटम का 8th पार्ट है। ओके, सो 1/8 पार्ट। ओके, सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालेंगे तो कितना आता है, देखो दिस 8 एंड दिस 8 कैंसिल, सो देयर इज द टोटल 1 आइटम। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है, अगर हम ऑल पार्ट आर कंबाइन, 8 पार्ट अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक एटम बन जाएगा। एक एटम के 8 पार्ट हमने किए थे, 4-4 में, ऊपर के 4 नीचे के 4। ओके, सो अगर हम ऑल पार्ट आर कंबाइन देन फॉर्मेशन ऑफ 1 एटम। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है। ओके, इसी तरह हमें फेस सेंटर देखना है, बॉडी सेंटर देखना है। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के, या आप लिख ले लो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होंगे। ओके, एंड देन एक फेस 6 फेस है, 6 फेस पे 6 पार्टिकल होंगे। ओके, साइड में डायग्राम दिखाई है, वो डायग्राम में क्या दिखा है देखो, वो डायग्राम में आइटम जो है उसकी, आइटम ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो दिखाया है। ओके, सो दिस आर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स, इसके जो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 1/8 पार्ट होता है, 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ आइटम। अभी फेस में कितना है देखो, फेस में क्या होता है, फेस में एक एटम का हाफ पोर्शन होता है। ओके, फेस सेंटर्ड पे क्या होता है, एक एटम का 1/2 मतलब क्या, हाफ पोर्शन होता है एटम का। ओके, सो व्हेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, फर्स्ट इज दैट 8 कॉर्नर पे हम कैलकुलेट करते हैं, 8 कॉर्नर है, 1/8 पार्ट होता है। ओके, इनटू 8 कॉर्नर, सो 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1 एटम। फेस सेंटर पे 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 1 एटम हो गया। अभी फेस से कैलकुलेट करते हैं, 6 फेस है एंड 1/2 मतलब हाफ पोर्शन है, तो 1/2 इनटू 6 फेसेस। ओके, 6 फेस है, 6 फेस पे हाफ ऑफ एटम होगा। ओके, सो 1/2 हो गया, 2 डिवाइड बाय 6, 6 डिवाइड बाय 2, 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 into 1, 3। ओके, सो कितना हो गया, 4 एटम। सो फेस सेंटर में कितना होगा, 4 एटम्स होंगे। 8 कॉर्नर पे टोटल होगा 1 एटम, जो 6 फेस है वहां हाफ ऑफ एटम्स है, तो उसका हो गया 3 एटम्स, 3 प्लस 1 4 एटम। सो फेस सेंटर पे कितना एटम होगा, 4 एटम होगा। ये 4 एटम कैसे आ गया, हम जब 4 ऑल एट पार्टिकल जो है काउंट किया है उसके बेसिस पे 4 एटम जो है आ गया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज दैट बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड किस तरह का है देखो, बॉडी सेंटर में ड्रॉ करना है, साइड में डायग्राम दिखाई है, उसमें भी दिखाया है कि बॉडी सेंटर्ड किस तरह के होता है, उसके 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स है। ओके, बॉडी सेंटर्ड में, सेंटर में एक एटम है, साइड में जो एटम डायग्राम दिखाई है उसमें दिखाया है कि एटम, पर्टिकुलर एटम जो स्पेस में फिल इन हुए है वो दिखाया है। सो उसके बॉडी सेंटर में एक एटम है। ओके, हम पता है कि फर्स्ट क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर, 8 कॉर्नर है, 1/8 पार्ट है, इंटू 8 इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1 एटम, मतलब 8 कॉर्नर पे वो एक एटम है। टोटल 8 कॉर्नर हम कंसिडर करते तो वहाँ एक एटम बन जाता है। सेकंड हम बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर में क्या होता है, पूरा एक एटम होता है। ओके, सो देयर इज अ 1 एटम, 1 होल एटम होता है बॉडी सेंटर में, सो 1 + 1, 2 एटम। सो बॉडी सेंटर पे क्या है, 8 कॉर्नर का एक एटम एंड सेंटर का एक एटम। ओके, सो टोटल 2 एटम जो है बॉडी सेंटर पे होता है। ओके,
सुनीता जी, टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के टाइप्स है थ्री, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल में एक ही एटम है, फेस सेंटर्ड पे फोर फोर एटम है, बॉडी सेंटर पे टू एटम्स। ओके,